बहुबिवाह किताब लिखा है श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने चार्ल्स विल्किंस ने ट्रांसलेट किया था भगवद गीता को इंग्लिश में लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइस रॉय थे जब आया था रॉलेट एक्ट आज के सवाल है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू का हेडक्वार्टर कहां पर है पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया नारंग कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स वेयर इज द्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट लोकेटेड और क्या इंडिया इसका मेंसो नो हुआ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द अपर हाउस अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कितनी है इसका नंबर सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वो कैबुलरी है एब्रोगेशन एब्रोगेशन मतलब रिपील करना अबॉलिश करना किसी लॉ को या फिर किसी अग्रीमेंट को ऑक्लूड ऑक्लूड मतलब रोक देना स्टॉप क्लोजअप और ऑब्स्ट्रक्ट एन ओपनिंग और या पैसेज रुकावट डालना ऑक्लूड अवर्स अवर्स मतलब आप उसके विरुद्ध हो हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और अपोजिशन टू समथिंग जैसे रिस्क अवर्स इनविगोरेट का मतलब होता है मजबूती देना गिव स्ट्रेंथ और एनर्जी टू शीद शीद मतलब ढाकना

एफ का आउटफ्लो है और ये बड़े अच्छे सवाल हैं जो हमें पूछना चाहिए एथिक्स मोरालिटी एंड डिजिटल एज में सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज रेफरेंस मटीरियल इज दिस द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन सी कल प्रिलिम्स का रिजल्ट आया उन्नीस दिन के अंदर ही प्रलिम्स का रिजल्ट आ गया एक्सीलेंट आप में से बहुत सारे लोगों का हुआ है कुछ लोगों का फॉर सम रीजन मार्जिनली नहीं हो पाया रिलैक्स नाउ ओके रिलैक्स नाउ अभी का जो टाइम है नवंबर और दिसंबर नो मैटर व्हाट रिजल्ट आपके फेवर में है या फिर आपका नहीं हुआ नो मैटर नो मैटर व्हाट ये जो नवंबर और दिसंबर का दो महीने का टाइम है अगर इसमें आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो मार्क माई वर्ड्स नेक्स्ट ईयर बहुत एक्सेलेंट आपका होने वाला है नवंबर एंड दिसंबर अगर आपने मन लगा के फुल थ्रोटल पढ़ाई किया तो आपका जनवरी में, में मेंस एग्जाम बहुत अच्छा होगा और सिलेक्शन मेंस के दम पे ही होता है प्रीलिम्स में आपने क्वालिफाई कर लिया नाउ इट्स ओवर इट अब जो होगी असली लड़ाई वो होगी मेन एग्जामिनेशन की मेन एग्जामिनेशन क्योंकि इसी के नंबर काउंट होंगे ये काउंट नहीं होता है आप क्वालिफाई गए कर गए नाउ दिस इज ओवर फोकस ऑन मेन बर और दिसंबर गिव योर हंड्रेड परसेंट अगर आपने ये एग्जामीफाई किया है अगर नहीं किया है इन दैट केस एज वेल नोवर और दिसंबर में अगर आपने फुल थॉटल पढ़ाई कर ली ना तो मार्क माई वर्ड नेक्स्ट ईयर आपका अब एक्सिलेंट होने वाला है तो डू नॉट वेस्ट दिस टाइम नोवर एंड दिसंबर प्रिपेयर फॉर मेन एग्जामिनेशन हम टॉक सीरीज रिज्यूम करते हैं एवरी डे वी विल ट्राई टू सॉल्व सर्टन क्वेश्चन इसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लान हैं मैं आपको दो तीन दिन में बताता हूँ ओके द पॉइंट इज इन दो महीने को वेस्टेज नहीं करने हैं और अगर एग्जाम में नहीं हुआ है तो उसको भी दिल पर नहीं लगाना है बिकॉज हमें पता है ना ये एग्जाम क्या है बड़ा स्टूपड सा एग्जाम है सौ सवाल पूछते हैं रेंडम कुछ भी क्वेश्चन आते हैं और नंबर ऑफ सीट्स भी इतनी कम है तो देर इज अ फैक्टर ऑफ अनसर्टेनिटी ये आपके बारे में आपका आइडेंटिटी नहीं बताता है अंडरस्टैंड दिस थिंग ओके सो ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है और सिंसियरली हमें एफर्ट्स डालने की अब वॉट नेक्स्ट और राइट नो मनी लेफ्ट इन एम जी नरेगा कॉफर्स ट्वेंटी वन स्टेट इन द रेड सी आई अंडरस्टैंड वॉट यू गो थ्रू वॉट यू आर गोइंग थ्रू बट रिमेंबर न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ये जो नोवर एंड दिसंबर है इसको टाइम वेस्ट मत करिए स्टडी फुल थ्रोटल में मोमेंटम कंटिन्यू करिए आपको अच्छे रिजल्ट आज नहीं तो कल मिलेंगे ओके ना दिस इज नो मनी लेफ्ट इन एम जी नरेगा कॉफर्स ट्वेंटी वन स्टेट इन द रेड अब ये क्या बात है ये बात है एम जी नरेगा का एम जी नरेगा एम जी नरेगा बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि ये एक्ट करती है एज अ सेफ्टी नेट ऑल दो इसका क्रिटिसिज्म भी होता है जब भी हम एम जी नरेगा पढ़ते हैं सम स्टूडेंट्स से कि इसमें वेस्टेज बहुत है और वर्क क्वालिटी अच्छा नहीं है इट्स अ काइंड ऑफ बर्डन आई एग्री बट स्टिल इट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी इट इज़ अ काइंड ऑफ वेलफेयर स्कीम दैट इज बाय एम जी नरेगा इज नेसेसरी अब प्रॉब्लम ये हुई कि कोविड नाइन्टीन हुआ एम जी नरेगा की डिमांड भी बढ़ गई तो ज़्यादातर स्टेट्स का जो पैसा साल भर चलना था वो अभी ख़त्म हो गया तो नो मनी लेफ्ट इन एम जी नरेगा कॉफर्स और अभी साल खत्म होने में मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में काफी टाइम है और राज्यों के पास 21 राज्यों के पास पैसे ही नहीं बचे स्टेट्स आर आस्किंग फील्ड अथॉरिटीज टू आर्टिफिशियली क्रिएट डिमांड और सेंटर ये बोल रहा है कि स्टेट्स ने अननेसेसरी ज्यादा डिमांड्स क्रिएट कर दी तो दिस इज आउट ऑफ फंड्स पैसे नहीं है एमजी नरेगा का पेमेंट करने पे एम जी नरेगा का जो क्रिटिसिजम होता है वो ये भी होता है कि डिलेड पेमेंट होता है और अब पैसे भी नहीं है सो so लेटेस्टली अभी आगे ये क्या चलता है हमारे कॉन्टेक्स में हमें एम जी नरेगा के बारे में जानकारी होनी चाहिए बिकॉज दिस इज अ फ्लैगशिप रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम नो मैटर कौन सी गवर्नमेंट पॉवर में है ये स्कीम कंटिन्यू रही है सेंट्रल फ्लैगशिप रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है दिस हैज रन आउट ऑफ फंड हाफ वे थ्रू द फाइनेंशियल ईयर दिस इज अ प्रॉब्लम सप्लीमेंट्री बजटरी एलोकेशन अभी रेस्क्यू में नहीं है फॉर एटलीस्ट अनादर मंथ तो जब पार्लियामेंट्री सेशन होगा तब बात की जाएगी सप्लीमेंट्री फंड की बट फॉर नाउ अभी पैसे नहीं है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया एम जी नरेगा में कि हमें नेगेटिव इतने पैसे की अभी जरूरत है सो दीज आर जस्ट नंबर्स द पॉइंट इज फ्लैगशिप रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम में फाइनेंशियल रहा है एम जी नरेगा क्या है ये लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है इन द वर्ल्ड ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सौ दिन का हंड्रेड डेज का एम्प्लॉयमेंट एवरी फाइनेंशियल ईयर में एडल्ट मेंबर को हर रूरल हाउस होल्ड के जो काम करना चाहता है विलिंगली पब्लिक वर्क करना चाहता है कौन सा काम अनस्किल्ड मैनुअल वर्क तो एक गांव है गांव का एडल्ट मेंबर है वो अनस्किल्ड वर्क वॉलेंटरी करना चाहता है विल बिलफुली करना चाहता है तो उसे सौ दिन का पेड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा गवर्नमेंट काम को क्रिएट करेगी और उससे बोलेगी ये अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करो सौ दिन का आपको पैसा दिया जाएगा तो दिस इज दिस इज नरेगा तो ये लीगल राइट टू वर्क भी है एम्प्लॉयमेंट गारंटी राइट टू वर्क लीगल फ्रेमवर्क भी है इसका इसमें वन थर्ड ऑफ बेनिफिशियरी वुमेन है Wages must be paid according to statutory minimum wages, जो तो स्टैंड है उसके हिसाब से सौ दिन का पैसा तो मिली जाता है तो ये क्या काम करता है ये काम करता है एज अ सेफ्टी नेट डिमांड ड्रिवन स्कीम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लीगली बैग है गारंटी फॉर एनी रूरल एडल्ट टू गेट वर्क विद इन दिस फिफ्टीन डेज ऑफ डिमांडिंग इट मतलब पंद्रह दिन के अंदर आपने बोला मुझे काम चाहिए पंद्रह दिन के अंदर आपको काम दिया जाएगा तो दिस इज डिमांड ड्रिवन स्कीम अगर काम नहीं मिला तो आपको भत्ता मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउवेंस मिलेगा तो दिस इज गुड डिमांड ड्रिवन स्कीम्स इनेबल्स द सेल्फ सेलेक्शन ऑफ वर्कर्स एज वेल अब ये डिसेंट्रलाइज भी है तो पंचायती राज को इसमें सिग्निफिकेंट है इसका रोल पंचायती राज का प्लानिंग में इम्प्लीमेंटेशन में वर्क में जो ग्राम सभा होती है वो काम को रिकमेंड करती है जैसे ये रोड ये कुछ बांध टाइप बनाना है ये मेड बनाना है अनस्किल्ड वर्क है तो ये पंचायती ग्राम सभा रिकमेंड करेगी और वो काम करवाया जाएगा और सौ दिन का पैसा उन्हें मिल जाएगा तो दिस इज गुड इस गुड इस इसलिए है बिकॉज इसमें वेलफेयर का एंगल है कई बार हम देखते हैं ना अभी एनसीआरबी का डेटा भी आगे देखते हैं कई बार जैसे किसान है उनकी फसल खराब हो गई तो एक प्रेशर आ जाता है उनपे तो इस स्कीम के थ्रू सौ दिन का उन्हें एटलीस्ट एक सेफ्टी डेट इंश्योरेंस कवर दिया है कि इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे तो दिस इज दैट अब इसको कनेक्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पॉवर्टी जीरो हंगर ग्लोबल गुड हेल्थ एंड वेलबींग क्वालिटी एजुकेशन जेंडर इक्वालिटी सी वन थर्ड वर्क डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रा और ये रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी तो वन टू थ्री फोर फाइव एक, दो तीन चार पांच छह सात आठ जो हैं, मतलब ये है आठ मतलब नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अब ये हो गया हमारा एम जी नरेगा एम जी नरेगा में प्रॉब्लम क्या आती है एक तो पैसे की कमी होती है जैसा अभी देखने को मिल रहा है पेमेंट बहुत टाइम लगता है डिलेड पेमेंट होता है क्वालिटी ऑफ वर्क जो होता है वो पुअर होता है यहाँ करप्शन भी बहुत है तो लो क्वालिटी वर्क है वर्क है फिर रीवर्क है प्लानिंग नहीं है वेस्टेज ऑफ मैनुअल लेबर है रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है ये वेल डिफाइंड नहीं है बोगस बेनिफिशियरी होते हैं मतलब घोस्ट आइडेंटिटीज हो गए जो पर्सन है नहीं वो भी एम जी नरेगा रोल में है और उनके नाम से पैसा विदड्रॉ हो रहा है तो ये कुछ चैलेंजेस हैं टेक्नोलॉजी से सोशल ऑडिटिंग से और एक और गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस से ये चैलेंजेस हम ओवरकम कर सकते हैं बट जो पॉइंट है सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने का स्पेशली कोविड नाइन्टीन के टाइम पे क्राइसिस टाइम के ये डी के अंदर भी आता है तो दैट इज़ बाय एम नरेगा को ओवरऑल हम सपोर्ट करते हैं एम नरेगा में जो चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम करना है बट वी डू सपोर्ट एम नरेगा तो इस पर यह सवाल तैयार करिए एम नरेगा रिमेन्स क्रूशियल फॉर इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन परसपेक्टिव कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट कि एम जी नरेगा की इंपॉर्टेंस बताइए चैलेंजेस भी बताइए कमेंट लिखा है यहाँ पे ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन दिस इज अगेन वेरी हाई इल्डिंग तो ये तो था फर्स्ट न्यूज एम जी नरेगा का सेकेंड जो न्यूज है वो है एनसीआरबी एनसीआरबी का डेटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और इसने जो डेटा दिया है वो डेटा दिया है अबाउट स्यूसाइड्स सुसाइड्स अमंग फार्म वर्कर्स रोज एटीन परसेंट इन 2020 जो ये साल 2020 था ये सबके लिए चैलेंजिंग टाइम आया है हेल्थ फ्रंट पे चैलेंजिंग हुआ मेंटल इमोशनल लॉकडाउन हुआ स्टूडेंट्स की वर्क स्टूडेंट्स का एजुकेशन सफर हुआ जो हेल्दी सोशल एनवायरमेंट होता है वो प्रोवाइड नहीं हुआ जॉब लॉसेस हुए तो मेजॉरिटी सेक्शन जो सोसाइटी का है उसके लिए 2020 काफी चैलेंजिंग रहा है अब चैलेंजेस आते हैं मेनी times challenges में people succumb under this pressure. So the point is जो data है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि distress level किस सेक्टर में कितना है जैसे daily wage earners है daily wage earners जैसे रोज का रोज पैसा कमाना इन्हें हर दिन का daily wage का अब lockdown लग गया दो महीने lockdown लग गया तो इनकी income तो चली गई ना इनके पास इतनी savings वगैरह भी नहीं है तो देख under pressure। होम मेकर सेल्फ एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड सैलराइड स्टूडेंट्स, फार्म सेक्टर तो ये जो जॉब हैजार्ड है एनसीआरबी का डेटा एक लाइट थ्रो तो कर रहा है कि डिस्ट्रेस कितना ज्यादा आया इन सभी सेक्टर्स में तो दिस इज वन थिंग सो दैट इज वाई वी सपोर्ट दिस एमजी नरेगा कि एटलीस्ट सौ दिन का तो कुछ पैसा मिल ही जाएगा उन्हें तो दिस इज देय सो so ये एक पॉइंट है हमारा जो है पॉलिसी वो ये है वी शुड नॉट एनकरेज दिस वी शुड डू ऑल मेजर्स टू स्टॉप दिस दिस इज अवर पॉलिसी ओके देन बैरियर्स गो फ्रॉम फार्मर्स प्रोटेस्ट साइड अ प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट भी है और इससे जो दूसरों का राइट टू मूव है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वो भी इम्पैक्ट हो रहा है तो अभी फिलहाल के लिए ये न्यूज है कि बैरिकेड्स वगैरह हट रहे हैं यहाँ से फ्री पैसेजेस मिलेगा टॉप ऑफिशियल्स लाइबल है फॉर सेल ऑफ टॉक्सिक क्रैकर्स क्रैकर्स फटाकों के साथ प्रॉब्लम यह है कि फटाकों से एक तो एयर पॉल्यूशन होता है लाइट पॉल्यूशन भी होता है और साउंड पॉल्यूशन भी होता है एयर पॉल्यूशन साउंड पॉल्यूशन लाइट पॉल्यूशन और फटाकों में होते हैं टॉक्सिक केमिकल्स तो ओवरऑल एनवायरमेंट डैमेज भी होता है तो इन जनरल जो फायर क्रैकर्स है नो मैटर वॉट उसके साथ कौन से सेंटिमेंट हैं सेलिब्रेशन के या फिर रिलीजन के फायर क्रैकर्स डैमेज करते हैं दिस एनवायरमेंट को देर इज नो डाउट अबाउट दैट सेलिब्रेशन कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स हेल्थ नो बडी कैन बी परमिटेड टू प्ले अदर्स मोर दैट ऑफ सीनियर सिटीजन एंड चिल्ड्रन ज्यादा नॉइज होती है ना तो सीनियर सिटीजन को बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है अस्थमा टाइप चीजें रियालिटी है सो द पॉइंट इज इन जनरल वी शुड बी दिस अवेयर फायर क्रैकर्स का सोल्यूशन निकालें सोल्यूशन निकालना डिफिकल्ट इसलिए है बिकॉज एक तरफ तो इसमें हमारे सेंटिमेंट हैं बिलीव सिस्टम है सेलिब्रेशन का मूड है दूसरी तरफ इसमें एक और चीज़ है वो है इकॉनमी इकॉनमी क्योंकि थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ पीपल फायर क्रैकर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है फायर क्रैकर का ब्लैंकेट बैन करेंगे तो इनका तो जॉब चला गया ना नौकरी चला गया तो प्रॉब्लम है तो वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन पॉल्यूशन भी बचाना है इकोनॉमी को भी बचाना है और सेंटिमेंट्स और बिलीफ सिस्टम का भी ध्यान रखना है तो दैट इज वाई एक इनोवेटिव कुछ सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है क्यों ना हम ऑल्टरनेटिव ढूंढे जैसे हमने ग्रीन क्रैकर्स ढूंढे थे जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा क्यों ना हम एक जनरल सिविक सेंस रखें कि रात के बारह एक दो बजे फटाके नहीं फोड़ रहे सो वी नीड टू हैव दिस इम्प्लीमेंटेशन इसका डिफिकल्ट होता है इसको फिजिबल करना है और इसका सोल्यूशन निकालना है जो यहाँ पे बात चल रही है फिलहाल के लिए दिल्ली में फटाखों की सेल का बैन लगा हुआ है यह है UIDAI 6 indemnity from data bill indemnity वर्ड अभी कुछ दिन पहले देखा था जब फाइजर मॉडर्ना भी इंडेमनिटी मांग रही थी मतलब उन्हें कुछ छूट मिली हुई है डेटा बिल से इधर UIDAI को कुछ छूट चाहिए indemnity from protection from data bill एक्चुअली यहाँ पर ये बात है कि जो UIDAI है ये ऑलरेडी आता है दिस एक्ट के अंदर टारगेटेड डिलीवरी आधार एक्ट के अंदर तो अब एक दूसरा एक्ट आएगा उसके अंदर भी हम आधार यू को रखेंगे तो इससे डुप्लीसिटी होगी और ऑपरेशन डिफिकल्ट हो जाएगा तो दैट इज वाई जो डेटा बिल नया आ रहा है उससे यू अपने को इंडेमिनिटी मांग रहा है वॉट इज यू ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ और्थ इंडिया यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ और्थ इंडिया इसका काम ये है कि ये पर्सन ए है तो यू के थ्रू आप एंश्योर करा दोगे कि दिस इज पर्सन ए दैट्स ऑल आइडेंटिफाई होगा दैट्स ऑल इट इज नॉट अबाउट सिटीजनशिप इट इज नॉट अबाउट एनिथिंग एल्स दिस इज जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन की दिस इज पर्सन ए और उसका प्रूफ ये है कि दिस इज पर्सन ए आप इसका आइरिस देख लो फेस देख लो फिंगरप्रिंट देख लो दिस इज दीज आर कॉल्ड बायोमेट्रिक्स तो यू आई डी ए आई बस ये बताता है कि ये जो पर्सन है वो ये है और उसको वेरीफाई कर सकते हो आयरिस फेस और फिंगरप्रिंट है दिस इज यू आई डी आई जरूरत इसकी क्यों है अगेन एम जी नरेगा में हमने देखा बोगस एंटिटीज होती है तो इससे एक आइडेंटिटी सेटअप करना आसान हो जाता है तो दैट इज वाई एक्ट आया था यूनिक आइडेंटिफिकेशन यू आई डी आई का स्टेचुरी ऑथॉरिटी बनी थी अंडर आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन टारगेटेड डिलीवरी जिसे हम बोलते हैं ना वेलफेयर करना है ए बी सी डी इन सबको हमें वेलफेयर देना है आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा यू के थ्रू तो ये एक्ट था अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विस एक्ट टू क्या ये मनी बिल था यस yes no. और नो और मनी बिल किस आर्टिकल में आता है ये भी बताइए तो 2016 में ये आया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी के अंदर काम करता है तो ये फैक्ट्स हो गए यू दिस आधार एक्ट एंड मीटी बायोमेट्रिक्स में आयरिस फेस और फिंगरप्रिंट अब UIDAI बनाया था और इसने इशू किया यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार नंबर होता है कितने डिजिट्स का होता है बताइए आधार नंबर तो ये आधार इशू किया सारे जितने भी रेसिडेंट्स हैं रेसिडेंट्स मतलब वो इंडिया में रह रहे सिटीजन नहीं लिखा है यहाँ यहाँ लिखा है रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया तो UID ने के कारण क्या हुआ डुप्लीकेट और फेक आइडेंटिटीज हम चेक लगा लेंगे वेरीफाई ऑथेंटिकेट कर पाएंगे कॉस्ट इफेक्टिव वे भी हो जाएगा तो इस तरीके से आधार नंबर इशू हुए अभी तक 128 31 मार्च 2021 तक 128.99 करोड़ आधार नंबर इशू हुए हैं रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया मतलब इंडिया में रह रहे जरूरी नहीं कि वो सिटीजन हो रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया तो ये तो आधार था अब आता है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पीडीपी बिल 2019 इसका बैकड्रॉप था जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमिटी जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया टेलीग्राम में सर्च करिए दिस बिल के बारे में यू विल गेट अ वेरी गुड पी डी एफ जिसमें दिस डेटा प्रोटेक्शन और इन सब की बातें कुछ और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल भी है तो इस बिल से क्या होता है कि अगर इस बिल को आधार को यू आई डी आई को इसके अंदर रखेंगे तो वो दो बॉडी के अंदर हो जाएगा एक इस एक्ट के अंदर और दूसरा एक्ट इस के अंदर ऑल दो ये अभी बिल है एक्ट नहीं बनाए दिस इज बिल तो ये नौबत आने से पहले ही यू आई डी आई बोल रही है कि हमें इंडेमिटी दे दो इस डेटा बिल से इस डेटा बिल से वरना डुप्लीसिटी होगी ऑपरेशनल चैलेंजेस होंगे लाइक like दैट ऑल दो डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में एक प्रोविजन भी है सेक्शन 35 में जो बोलता है सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का जब सवाल है तो पब्लिक ऑर्डर फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन स्टेट सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का सवाल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सस्पेंड भी कर सकती है एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट फॉर गवर्नमेंट एजेंसी मतलब पी पी के जो भी प्रोविजन है और अगर बात आ जाती है लॉ एंड ऑर्डर सोवेनिटी इंटीग्रिटी सिक्योरिटी की तो पीडीपी के जो भी क्लॉज हैं है, वो सस्पेंड भी हो सकते हैं तो रिक्वेस्ट किया है कि मिले उसे, 2019 जो आ रहा है लेटे सी अभी ये आया नहीं है आने देते हैं इसमें मोडिफिकेशन भी होंगे जब एक्ट बन जाएगा ना तब वो हमारे इम्पोर्टेंस का है फिलहाल के लिए हमें अच्छे से पता होना चाहिए यू आई डी आई सो प्रिपेयर अट ऑन आधार identify इट्स फीचर्स एंड बेनिफिट्स डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड associated चैलेंज प्रश्न जब भी देखें तो पूरा प्रश्न पढ़ना है और पूरे प्रश्न का जवाब देना है इसमें हर प्रश्न का एक कुछ मार्क्स होता है जैसे 10 नंबर का सवाल है कुछ मार्क्स इसके होंगे कुछ मार्क्स सेकेंड पार्ट के होंगे और कुछ होंगे थर्ड थर्ड पार्ट के जैसे तीन, तीन 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 रख लेते हैं अब 10 नंबर का सवाल है आपने पूरा टाइम एनर्जी शब्द केवल पहले पार्ट में ही खर्च कर दिए तो नो मैटर वॉट आप कितना अच्छा लिखोगे मैक्सिमम तो तीन ही हुआ ना तीन से ज्यादा थोड़ी मिल सकते हैं यहाँ पे तो देट इज बाय सारे एड्रेस करो तीन में से हो सकता है आपने अच्छे से लिखा तो यहाँ दो मिल जाएंगे यहाँ दो और यहाँ दो छ नंबर मिल जाएंगे दस में वेरी गुड मार्क्स सो ट्राई टू आंसर कम क्वेश्चन कंप्लीटली कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए सिग्निफिकेंस चैलेंजेस प्रैक्टिस नॉर्थ साउथ ब्लॉक्स टू टर्न म्यूजियम म्यूजियम ये जो एग्जाम है ना ये आपकी बहुत सारी क्वालिटीज को चेक करता है कि आप में डिसिप्लिन कितना है आप में टेनेसिटी है या नहीं है आप थोड़े से फेलियर से डर के भाग तो नहीं जाते हो या बहुत जल्दी डिस्टर्ब तो नहीं हो जाते हो ये सारी क्वालिटीज क्वालिटीज चेक होता है तो डेवलप दीज ओके नॉर्थ साउथ ब्लॉक्स टू टर्न म्यूजियम दे विल बी पब्लिक स्पेस गवर्नमेंट ने बताया सुप्रीम कोर्ट को ये सेंट्रल विस्टा रिवैम चल रहा है ये जो म्यूजियम होगा इसका थीम होगा इंडिया इन मेकिंग

जो छठ पूजा है इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है इसकी दिस दिस बिलीफ सिस्टम है बिलीफ सिस्टम है तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है कि बिलीफ सिस्टम है उसको सेफ गार्ड करे तो इधर सॉल्यूशन ये हो सकता है अगेन हम कोई मिडिल पाथ निकालें ऐसा कुछ प्रोविजन करे सरकार कि पॉल्यूशन और कोविड भी चेक हो जाए और लोगों के जो बिलीफ सिस्टम है वो भी हर्ट नहीं हो आर्ट फॉर हार्ट से दीपावली विद राजा रवि वर्मा आप बहुत बड़े पेंटर फेमस पेंटर रहे हैं ट्रावन कोर और ये आपके कुछ वर्क है कुछ वर्क है जैसे दमयंती टॉकिंग टू असवान पेंटिंग्स हैं ये शकुंतला लुकिंग फॉर दुष्यंत नायर लेडी अडोर्निंग हर हेयर एंड शांतनु एंड मत्स्य गंधा तो यू आप काफी अच्छी पेंटिंग्स आपने यहाँ पे बनाई है उसका यहाँ पे कुछ एग्जीबिशन वगैरह हो रहा है नाम याद रखना है राजा रवि वर्मा देन दिस इज सिली पॉइंट सी स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लेना लेना चाहिए स्पोर्ट सपोर्ट फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम और इट्स प्लेयर इज नो लिटमस टेस्ट फॉर पैट्रियोटिज्म को स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहिए स्पोर्ट्स टीम वर्ल्ड मेंबर्स फॉरन ओरिजिन के भी होते हैं द पॉइंट इज ये जो हाइपर नेशनलिज्म है इसको चेक करना भी जरूरी है हाइपर नेशनलिज्म इंफ्यूजन ऑफ टॉक्सिक हाइपर नेशनलिज्म इन स्पोर्ट्स इज बैड इन सच अ वर्ल्ड

इन इंडिया द स्टडी सब वर्जन ऑफ इक्वालिटी यहाँ पे भी वेरियस एग्जाम्पल्स वगैरह है कि इक्वालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो इंश्योर कराना ज़रूरी है हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें बस ये देखना है आर्टिकल 14 क्या बोलता है बिकॉज आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा रहे हो हमारे लिए इनफैक्ट फैक्ट एवरीबडी सब लिए जो फाइनल चीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हमारा कंट्री चलता है सो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम तो सेंट्रल एडिफिस है डेमोक्रेसी का की इक्वालिटी हो और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है इक्वालिटी इक्वालिटी मतलब पहले दिन से इंडिया में जो भी इंडिया का नागरिक है सब बराबर है वोट देखो एडल्ट सफरेज है नो no मैटर आप मैन हो नो no मैटर आप वुमेन हो सबको वोट का हक है सबको एडल्ट सफरेज दिया है दिस इज यूनिवर्सल सो दैट इज वाई इक्वालिटी जो है ये हार्ट एंड सोल है हमारे फंक्शनिंग का हमारी इंडिया का अब राइट टू इक्वालिटी में क्या होता है आर्टिकल चौदह होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ लॉ के सामने सब बराबर है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबका जो है इक्वल प्रोटेक्शन होगा उसको जो राइट्स मिले एवरीथिंग इसका भी एक वीडियो देखो आप डाइसीज प्रिंसिपल का हैव अ लुक एट प्लेलिस्ट बड़ा अच्छा वीडियो था जिसमें डाइसीज के तीन प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए थे इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पंद्रह क्या बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इन सब के बारे में इन सब पे बेसिस हमें डिवीजन क्रिएट नहीं करने किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ 16 क्या बोलता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको अपॉर्चुनिटी होगी 17 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये हम बिल्कुल एनकरेज बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे प्रोहिबिशन है अनटचेबिलिटी का और जो पहले टाइटल्स थे मिलिट्री अकेडमिक डिस्टिंगशन के वो हाउ एवर एग्जैमटेड है पहले एक्चुअली दूसरे टाइटल्स भी हो जाते थे वो अलाउड नहीं है बट मिलिट्री वगैरह के हैं जैसे इफ़ यू आर अ कर्नल यू कैन से दैट यू आर अ कर्नल अकेडमिक डिस्टिंक्शन जैसे डॉक्टरेट किया है लाइक like दैट वो अलाउड है पर बाकी दूसरे टाइटल्स अलाउड नहीं है तो चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह ये है इक्वालिटी और ये हमारा इंडिया है देन दिस इज एवरग्रेड साइज क्वेश्चन ओवर चाइनीज पॉलिटिक्स ये जो चाइनीज बबल फटा है ना ये बहुत टाइम से फटने वाला था बबल वेटिंग टू बस्त बिकॉज यहाँ का जो चाइना का राइज हुआ था वो दो पिलर पर था एक तो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनमी और कोविड नाइन्टीन आ गया एक्सपोर्ट हेम्पर हुआ लॉजिस्टिक सप्लाई दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये बबल भी क्या होता है ये भी न जैसे कार्ड्स होते हैं ना एक पे दूसरा डिपेंडेंट फिर तीसरा तो अगर कहीं डिफिकल्टी आती है तो उससे डोमिनो इफेक्ट आता है और वन बाय वन सारे पिलर्स गिरने लग जाते हैं तो इंफ्रा रियल एस्टेट में यही हुआ है रियलाइजेशन है व्हाट कॉल्ड अनबैलेंस्ड एंड इन एडिकुट ग्रोथ इकोनॉमिस्ट की माने तो पिछले बहुत टाइम से वो वॉर्न कर रहे थे चाइना का जो ग्रोथ मॉडल है वो अनसस्टेनेबल है इवन जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये भी कोई बहुत ज्यादा टेकर्स है नहीं इसके सीरियस प्रॉब्लम है बेल्ट एंड रोड में इनिशिएटिव में सो so, सी क्या होता है प्लस यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ प्लेयर्स को प्रेशराइज भी कर रही थी अभी जैक मा का एपिसोड भी दिया तो ओवरऑल इकोनॉमी के सीरियस चैलेंजेस अभी चाइना फेस कर रहा है अब ये होगा कि वैसे तो वर्ल्ड की इकोनॉमी जैसे लेमन ब्रदर कोलैप्स हुआ था यूएस का इतना ह्यूज इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए अगर चाइनीज में लाइक दिस रियल एस्टेट बैंक्स वगैरह फेल होते हैं पहली बात तो ये फेल भी नहीं होंगे बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी इनको बेल आउट कर लेगी जो चाइना की गवर्नमेंट है बट इंटरलिंकिंग होती है ग्लोबलाइजेशन है तो उससे क्या होता है रिपल इफेक्ट सारी इकोनॉमीज में देखने को मिलते हैं जैसे चाइना कंज्यूम करता है 50% ऑफ ग्लोबल स्टील एंड सीमेंट प्रोडक्शन दिस इज ह्यूज दिस की इंफ्रा डेवलपमेंट किस स्केल पे हुआ है चाइना पे इंफ्रा 50% ग्लोबल स्टील और सीमेंट का अकेला चाइना यूज करता है तो वर्ल्ड इकोनॉमी को भी यहाँ क्या इंपैक्ट होगा वो हमें देखना पड़ेगा क्रूशियल बाई इलेक्शन है ग्यारह स्टेट में बाई इलेक्शन का मतलब क्या होता है टेल बायक्शन्स हो रहे हैं ग्यारह स्टेट्स में टुडे देन यू आई डी आई इन मांग रही है डेटा बिल से प्राइम मिनिस्टर साहब अभी विजिट में हैं यूरोपियन यूनियन लीडर्स से भी आपने मुलाकात किया ई यू फ्रेंडशिप इंडिया और ई यू की फ्रेंडशिप दिस इज इंपॉर्टेंट अभी कुछ सिग्निफिकेंट यहाँ पे नहीं आया है जैसे ही कुछ मीटिंग वगैरह का और भी होगा ग्लासगो भी अभी होने वाला है विल है री लुक बाकी नॉर्मल टॉक है कि कोऑपरेशन बहुत होना चाहिए स्कोप ऑफ डेवलपमेंट एंड कन्वर्जेंस काफी ज्यादा है टाइज एटसेट्रा लेट अस सी वैक्सीनेशन ग्लोबल गुड है और सीतारामन मैम मीट्स सिंगापुर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्यूमेंट विद एन पी आर फॉर्म रिमूव हो गया है अभी सेंसस साइट से सेंसस ऑफ इंडिया हर दस दस साल में होता है दो हजार इक्कीस का भी सेंसस होना है डिले चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोविड नाइनटीन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में भी अभी सी ज विमेन टू बी ट्रेंड ऑन पार विध मैन एट द एन डी ए दिस इज अ गुड मूव थिएटराइजेशन ऑफ मिलिट्री इन प्रोसेस मिलिट्री भी चेंज हो रही है वो पुराना टाइम गया जब उस टाइप की वॉर्ज होती थी आज का जो वॉरफेयर है ना इसमें दिमाग ज़्यादा चाहिए वॉरफेयर वॉरफेयर दिमाग विल पावर दीज थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड मसल पावर भी चाहिए बट एक बैलेंस चाहिए हमें तो द पॉइंट इज अभी जो मिलिट्री है उसमें ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो ये जो थिएटर कमांड बन रहे हैं थिएटर कमांड मतलब आर्मी एयरफोर्स और नेवी ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा ये छह महीने के अंदर एक्टिव होने वाला है अस सी द पॉइंट इज कैरेक्टर ऑफ वॉर हैज बीन चेंजिंग ओवर द ईयर वॉर का नेचर चेंज हो गया है और ये बात कही खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जनरल मनोज मुकुंद नरवाने साहब ने तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है प्रोफेशनलिज्म भी आना चाहिए फेयर सेंस ऑफ फेयर प्ले एंड प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए कि जो कैंडिडेट्स हैं आर्म फोर्सिस में इक्वल ट्रीटमेंट हो अगेन आर्टिकल फोर्टीन देर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ वन हंड्रेड फोर्टी वर्स ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी में आपने ये बात कहा चीफ ने एक और बात कहा अगर चीजें ऐसी चली तो विद इन जो नेक्स्ट चीफ है वो बहुत जल्दी भी हो सकती है आर्मी की लेट अस सी सूरत विंस अवार्ड फॉर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुड मेट्रो सर्विस दिल्ली की तो वर्ल्ड फेमस है सो so, ये हरदीप सिंह पुरी साहब ने कहा अर्बन मोबिलिटी ये सिलेबस में भी लिखा है अर्बन मोबिलिटी अर्बन ट्रांसपोर्ट जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कार्बन इमिशन की अर्बन ट्रांसपोर्ट आप देखो ये मेक एंड ब्रेक है ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडा का अर्बन ट्रांसपोर्ट बिकॉज ज्यादातर जो पॉल्यूशन होता है ना वो यहीं से आता है 23% कार्बन एमिशन 61% ऑफ ग्लोबल ऑयल डिमांड कहाँ से अर्बन ट्रांसपोर्ट से तो शहरों में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसको हमने फिक्स कर लिया तो क्लाइमेट बैटल भी हम जीत जाएंगे तो अब इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं जैसे सेवन फेसेट्स हैं अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम के एक्सीडेंट्स पीक आवर क्राउडिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे शाम और सुबह जब ऑफिस जा रहे हैं ऑफिस से वापस आ रहे हैं इस टाइम पे बहुत जैम लगता है पीक आवर क्राउडिंग ऑफ पीक इनएडिक्वेसी होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिफिकल्टी होती है पेडेस्ट्रियंस रोड व्हीकल्स के लिए है पेडेस्ट्रियंस चलने के लिए साइड में वॉकवेज है तो पेडेस्ट्रियंस को डिफिकल्टी होती है अगर उनका क्लियर मार्केशन डीमार्केशन नहीं है चलने का या फिर जो रोड पे चलने वाले जो व्हीकल्स हैं वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इंफ्रा बनाना चाहिए एनवाइर्मेंट इम्पैक्ट है पार्किंग तो बहुत बड़ी समस्या है लोगों के पास बहुत सारी गाड़ी है बट गाड़ी रखने की जगह नहीं है तो पार्किंग डिफिकल्टी ट्रैफिक भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कंजेशन तो ये कुछ फेसेट्स हैं अर्बन ट्रांसपोर्ट के अब जो पॉलिसी हो तो क्या हो अर्बन ट्रांसपोर्ट एमिशन कम करना है तो टू प्रोन्ज एफर्ट लगेगा एक तो लैंड यूज को चेंज करें मतलब इतना ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है प्राइमरी इंफ्रा ऐसा बनाए सिटी प्लानिंग ऐसा बनाए कि जो डेली का कॉम्यूट होता है वो कम हो लैंड यूज रेगुलेशन हो बिल्ट सरफेस रेशियो ठीक करें प्लान करें प्रॉपर्टी और लैंड ऑनरशिप टैक्सेस वगैरह लगे तो मतलब मोबिलिटी की डिमांड को ही कम करो क्यों ज़रूरत पड़ रही है इतनी मोबिलिटी की जो सिटी सेंटर्स टाइप ऐसी प्लानिंग करें ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं प्लानिंग सो दैट मोबिलिटी कम हो दूसरा जो ट्रांसपोर्ट है वो सस्टेनेबल रहे एनवायरमेंट फ्रेंडली रेगुलेशन हम मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाए जैसे मेट्रोज वगैरह है नॉन मोटराइज अभी ई e व्हीकल की भी बात चल रहा है इंटर मोडेलिटी हो पार्किंग के इश्यूज हो ये की वर्ड्स है ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़ के इन सबको अगर करेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे तो अर्बन ट्रांसपोर्ट एमिशन को हम कम कर पाएंगे और क्लाइमेट एजेंडा बैटल विन करेंगे देन दिस इज समी एफ स्टाफर्स मून लाइट फॉर प्राइवेट सेक्टर अभी की आज की डेट में बहुत बड़ा जो समस्या है वो ये है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको भी आजकल प्राइवेट में या फिर सेलिब्रिटी बनने में इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और ये एक बड़ा कॉज ऑफ वरी है सेम ऐसा सर्कुलर अभी ब्यूरोक्रेसी के लिए भी आया था कि ब्यूरोक्रेसी का क्या कंडक्ट होना चाहिए किस लेवल का इन्वॉलमेंट होना चाहिए दिस कहाँ पर सोशल मीडिया में अब जैसे ये पी एफ स्टाफर्स है प्रोविडेंट फंड के स्टाफर्स है ये मून लाइट कर रहे हैं प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर सेक्टर क्या होता है moonlight मतलब secretly, मतलब जॉब टिपिकली सीक्रेटली एट नाइट कहने को तो गवर्नमेंट जॉब पे है बट वो साइमल्टेनियसली प्राइवेट सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड मून लाइट तो ये प्रोविडेंट फंड के स्टाफर्स मून लाइट फॉर प्राइवेट सेक्टर अभी इसमें कुछ डिफिकल्टीज आई थी दिस प्रोविडेंट फंड कुछ गूफ्स गूफ अप्स हुए थे यहाँ पे तो विजिलेंस रिपोर्ट ने यह बताया कि दिस इज द थिंग दिस इज द थिंग और इसी से फिर ये जो कॉलुजिव होता है गवर्नमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन वीकन होने लग जाती है बिकॉज वहाँ पे सेल्फ ब्रांडिंग आगे आ जाती है बजाय इंस्टीट्यूट की ब्रांडिंग के तो दिस इज द कॉज ऑफ वरी एक प्रॉपर गाइडलाइन है बट उसको रिवाइज करना जरूरी है चेंजिंग वर्ल्ड में आज के डिजिटल टाइम पे सो दिस इज द को वैक्सीन को अभी भी अप्रूवल नहीं मिल रहा है वेट एंड वॉच स्पुतनिक क्लिनिकल ट्रायल अब चिल्ड्रन पे भी हो रहे हैं इविक्शन ड्राइव है ताइवान क्राइसिस अभी भी बना हुआ है यू एस बैक कर रहा है ताइवान को और चाइना इसको कंप्लीटली इंटीग्रेट करना चाहता है मेनलैंड चाइना में ताइवान इसकी बैक स्टोरी भी हमने देखा था दिस कोआमट पार्टी एंड ऑल रिलेशन विथ ताइवान ताइवान इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज चाइनीज स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास एक डेमोक्रेसी है और नॉट यूज फॉर टेरर यूएस इंडिया टेल तालिबान तालिबान को क्लियर वर्ड में बताया कि तालिबान अब एक ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बन जाए टेररिज्म का बाइडन हिल्स पोप एज अ वॉरियर ऑफ पीस

क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ डब्ल्यू एच ओ इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ ड्यूरिंग सिक्योरिटी ड्यूरिंग द कोविडीन पेंडेमिकोड्रोस क्योंकि रोल पर भी बड़े सवाल उठे थे दो हजार बीस का सवाल है ये चाइना टाइटन कर रहे कंट्रोल ओवर कंपनी डेटा कोर सेक्टर ग्रोथ डेसेलेट हुआ फोर पॉइंट फोर परसेंट इन सेप्टेम्बर इसका रीजन यह है कि एक तो मानसून बहुत ज्यादा हुआ हैवी हिट हुआ रेन तो माइनिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हिट हुई इसीलिए कोर सेक्टर का ये डेटा कम आया है इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्री जो कंपाइल करता है डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी का ये डेटा है आठ कोर इंडस्ट्रीज क्या है टेल है इज वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट सेड हैवी माइनिंग कंस्ट्रक्शन एंड पावर डिमांड तो इसीलिए नंबर कम हो गए दूसरा प्रॉब्लम है फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है फिजिकल डेफिसिट मतलब उधार खर्चे बहुत हो रहे हैं और आमदनी है नहीं तो फिजिकल डेफिसिट थर्टी फाइव परसेंट हो गया एनुअल बजट टारगेट का लास्ट ईयर एक सौ पंद्रह प्रतिशत था देन दिस इज एप्पल तो मतलब डबल बिजनेस इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन कोकने का एवरी डे वॉज लुकिंग एट वन डेटा मतलब जो प्रॉफिट है ना एप्पल का मतलब दिस इज क्रेजी देन जियो फोन नेक्स्ट टू हिट स्टोर ऑन दीपावली जियो प्लेटफॉर्म इंडियन एक्सप्रेस में प्राइम मिनिस्टर ने मीट किया द्रागी एंड ई यू लीडर्स टू कॉल ऑन पोप टूडे आज पोप से भी मीटिंग है दिस इज प्राइम मिनिस्टर इन यूरोप बैरिकेड लिफ्ट एड फॉर्म प्रोटेस्ट साइट और स्टीयरिंग इकोनॉमी ये शक्तिकांता दास साहब है 2018 में आए थे इनको और एक्सटेंशन मिल गया है तीन साल का अभी ये चीफ बने रहेंगे आरबीआई के इकोनॉमी ड्यूरिंग कोविड 19 में इनका वर्क अप्रिशिएट किया गया एक्चुअली आरबीआई के गवर्नर का जॉब बड़ा आसान जॉब नहीं है सो मेनी प्रेशर इकोनॉमी भी डिफिकल्ट है प्लस एक तरफ इन्फ्लेशन बना हुआ है दूसरी तरफ रिकवरी का भी है तो दिस इज फिलहाल के लिए कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आरबीआई हेल में शक्ति दास साहब कंटिन्यू करेंगे तो दिस इज देयर देन दिस इज द सिटी न्यूज ये म्यूजियम बन रहे हैं नॉर्थ और साउथ ब्लॉक ये दोनों है ना ये नॉर्थ साउथ ब्लॉक है इनको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ये क्या है ब्रीड है काउ की ब्रीड कैटल्स की ब्रीड ये ब्रीड भी बेटर बनानी है हमें ज्यादा प्रोडक्शन हो मिल्क का रिजाइलेंट रहे डिसीजेज नहीं हो लाइक like दैट तो उसके लिए है राष्ट्रीय गोकुल मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये किसके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल एंड डेयरी देन दिस इज हस्ब सिटी न्यूज है ये मॉस्किटो ऑपरेशन चल रहे हैं फ्यूमिगेशन हो रहा है डेंगू का कहर देन चांदनी चौक फेस टू रिवे अवेट बजट नोड बजट नोड अब सेकेंड रिफॉर्म्स की बात है चांदनी चौक नीति आयोग ने बताया कि पीएम जय है पीएम जय को एनकरेज एक्सटेंड करें मिसिंग मिडिल क्लास से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक्चुअली क्या होता है एक होते हैं मिडिल क्लास लोग एक होते हैं रिच लोग और एक होते हैं पुअर लोग तो जो पुअर लोग होते हैं इनके लिए तो पूरे हमने गवर्नमेंट स्कीम्स भी आती है ई कोटा भी आता है सब चीज़ें इनके लिए फैसिलिटीज वगैरह सब गवर्नमेंट ट्राई टू स्टेप इन तो पुअर के लिए वेलफेयर स्कीम्स होती हैं जो रिच होते हैं दे आर वेरी सेल्फ केपेबल होते हैं तो इनके लिए भी हेल्प की जरूरत नहीं है पिस्ता कौन है ये जो मिडिल क्लास है मिडिल क्लास रिच कैटेगरी में भी नहीं आता और पुअर कैटेगरी के बेनिफिट्स भी नहीं मिलते तो कोविड नाइनटीन में जो सबसे ज्यादा हिट हुआ है इनफैक्ट वो मिडिल क्लास हुआ है तो मिडिल क्लास को भी बेनिफिट देना बहुत जरूरी है तो ये मिसिंग मिडिल की बात है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मिडिल क्लास को भी यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स मिले उन्हें मिसिंग मिडिल बिकॉज हेल्थ केयर का जो बिल है वो इस केस में भी मिडिल क्लास के लिए भी बहुत ज्यादा हैवी पड़ा है एक्टर पुनीत राजकुमार आप काफी बड़े नाम थे एक्टिंग में बहुत अच्छा नाम कमाया ही पासड अवे अरेस्ट रीजन बताया जा रहा है देन दिस इज जस्टिस अशोक भूषण इज न्यू एनसी चेयरमैन नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के जस्टिस अशोक भूषण दैन दिस इज दिस इज नॉट गुड एंड दिस इज देयर नेक्स्ट पेज फोर्टी ईयर्स में वीमेन में स्टैंड वेर आई एम आर्मी चीफ ने कहा वेरी गुड मूव देन क्लाइमेट ऑफ होप है फाइटिंग चांस ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वॉर्मिंग ग्लासगो कल देखते हैं फर्स्ट ऑफ नवंबर को ये मीटिंग होगा ट्रूली डिजिटल जाने का टाइम है और डिजिटल भी ऐसा हो कि वो इंक्लूसिव हो हर सेक्शन का चाहे वो एल्डरली हो या फिर हर इकोनॉमिक सेक्शन का इंक्लूसिव होना चाहिए डिजिटल और डिजिटल को ईजी बनाना है एम्ब्रेस करना है पुश नहीं करना है दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड देन फेसबुक का ये नया कंपनी है मेटा मेटा ड्राइविंग अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर नहीं प्रेजेंट है फ्यूचर तो है ही बट प्रेजेंट आ गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश करना चाहिए अगर ई व्हीकल सक्सेस हो गए ना तो हमारा जो ऑयल इंपोर्ट का डिफिकल्टी है वो भी सक्सेस हो जाएगा ओपेक और ये होना है तभी आप देखो सऊदी हुआ यू हुआ अब ये ना अपनी इकोनोमी को डाइवर्स डायवर्सीफाई कर रहा है स्पेशली यू डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है वो डायवर्सिफाई कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में बिकॉज जो फॉसिल फ्यूल है इसके पास अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है देन इन नीड ऑफ अ फिक्स दिस इज बाइडन तालिबान तालिबान को अब क्या पैसे चाहिए जो लॉक हो गए उसको अनलॉक करना चाहता है वर्ल्ड लेवल के बैंक्स वगैरह में तालिबान पुष्टु अनलॉक अफगान बिलियन अब्रॉडी एम्प्लॉयर यू एस सी आई एस के अंदर रिकोगनाइज होगा मार्केट रिसर्च यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस के अंदर एच वन बी वीजा एम्प्लॉय दिस इज अफगानिस्तान और हाईकोर्ट चैलेंज मेटावर्स बन रहा है जी ट्वेंटी फोर टैक्स ऑन एम एनसीज इन कंट्री ऑफ ऑपरेशन फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ये हॉट मनी होता है स्टॉक्स में पैसा आता है और तुरंत निकाल भी लेते हैं तो अब देखो स्टॉक मार्केट फॉल हुआ देन मोस्ट बिजनेस लीडर्स फील प्रेशर्ड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ रही है वर्क स्पेस में इकोनॉमिक फ्यूचर आरबीआई ने ईज कर दिया है करंट अकाउंट के रूल्स जियो फोन दो हजार रुपए में आएगा तो ये इंडियन एक्सप्रेस हुआ अभी आज हम एक सवाल देखते हैं ये छह सवाल आप हमेशा खुद से पूछा करो स्पेशली जब भी आप डिजिटल एज में कुछ भी कंटेंट या पीपल से इंटरक्ट कर रहे हो सिक्स क्रिटिकल क्वेश्चन थिंग्स टू थिंक अबाउट वेन सम वन हैज समथिंग टू से सबसे इंपॉर्टेंट होता है हु हु मतलब किसने का है हर किसी की क्रेडिबिलिटी इक्वल नहीं होती हु सेड इट समन यू नो समन फेमस सम वन इन अथॉरिटी शुड इट मैटर हु सेड इट यस हु सेड इट मैटर प्राइम मिनिस्टर कोई बात करेंगे तो उसका वजन बहुत होगा क्योंकि वो अथॉरिटी है समवन सो हु ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन हु फिर आता है वॉट वॉट डिड दे से क्या उन्होंने कुछ फैक्ट्स या ओपिनियंस दिए हैं क्या केवल फैक्ट्स हैं या फिर कुछ चीज नहीं बताई है वॉट क्रिटिकली थिंक वेर वेर इट बिकॉज हम कुछ भी बोलते हैं हर चीज का एक कॉन्टेक्सट भी होता है कॉन्टेक्स में होता है आउट ऑफ कॉन्टेक्सट अगर हम चीजों को ले जाते हैं तो वो एम्बिग्यूटी क्रिएट होता है कॉम्युनिकेशन सो वेयर पब्लिक में प्राइवेट में या पीपल से इंटरेक्शन था तो ऑलवेज आस्क दिस वेर इससे कॉन्टेक्स्ट आपको पता लगेगा वेन बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग एन इम्पॉर्टेंट इवेंट अब जैसे 2019 में कोविड पे हमने एक स्टेटमेंट दिया आज हम पीछे मुड़के देखेंगे तो वो स्टेटमेंट इरेलीवेंट नजर आएगा बट 2019 में वही सत्य था वही सच्चाई थी सो द पॉइंट इज वैन वाई मतलब वाई डिट दिस इट क्या परपज़ है ओपिनियन क्या है क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है मैसेजिंग जा रहा है गुड और बैड हाउ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या तरीका है जैसे हम कई बार कोई बात बोलते हैं एक्सप्रेशन क्या हैं या फिर किस टोन में कहा है किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है एंग्री कहा है एंग्री भी कई बार पेरेंट्स डांटते हैं बहुत एंग्री होते हैं बट दे आर डूइंग इट फॉर योर गुड सो हाउ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कुड यू अंडरस्टैंड इट तो ऑलवेज क्रिटिकली आस्क क्वेश्चन वैन एवर यू कम अक्रॉस एनी इन्फॉर्मेशन हु वॉट वेर वैन वाई हाउ